अवशोषित करके क्या करती है, नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राकृतिक का जनन किसके द्वारा हो रहा था, जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, पत्र प्रकारिता के द्वारा। जड़ के एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े, शकरगंध, शतावर और डहेलिया। तने दो प्रकार के थे, भूमिगत तना और अर्धवाहिक तना। भूमिगत तने कौन कौन से हो गए, कंद, प्रकंद, घनकंद और शर्तकंद। कंद का एग्जाम्पल क्या है, आलू। प्रकंद का अदरक और केला। घनकंद का अरबी और जमीकंद। शर्तकंद का प्याज और लहसुन। फिर अर्धवाहिक तने भी चार प्रकार के हैं, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी, भूस्तारी और भूविस्तारी का। ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या है, दूध घास, कट्टी बूटी और सेंटेला। अंतिम भूस्तारी का पोगिना और गुलदाउदी। भूस्तारी का स्ट्रॉबेरी और भूस्तारी का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जलपोती। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई जो आलू है, हमने यहाँ पर आलू की बात करी, आलू जो है ये भी भूमिगत है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं शकरगंध की। देखो दो एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ मैं यहाँ पर, एक है आलू और दूसरे आता है शकरगंध। दूसरा कौन सा है, शकरगंध। दोनों एक जैसे ही है, भूमि के अंदर है। दोनों का ही मुख्य कार्य होता है भोजन का संचय करना। वही शकरगंध के अंदर भी भोजन का संचय हो रहा है, आलू के अंदर भी भोजन का संचय हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई शकरगंध तो जड़ है और आलू तना है। कैसे कहें कि आलू तो तना है और शकरगंध है वो जड़ है, क्योंकि दोनों ही हमको तो एक जैसे लग रहे हैं भाई। दोनों भूमिगत है और भोजन का क्या कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, शकरगंध को जड़ तना लिखे आते हैं, आलू को जड़ लिखे आते हैं। और हमारे का जो क्वेश्चन होते हैं आंसर है वो गलत हो जाते हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से हम कहें कि भाई आलू तो तना है और शकरगंध मूल है। तो तने की कुछ मुख्य विशेषताएँ होती है, उन विशेषताओं के आधार पर भी हम किसी पौधे को ये कह सकते हैं कि ये तो तना है और ये जड़ है, चाहे वो क्या हो, भूमिगत हो और कार्य भी क्या हो, समान हो। तो तने की मुख्य विशेषता क्या होती है कि तने के ऊपर एक तो क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका। एक तो क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका। और दूसरी क्या पाई जाती है, यहाँ पर पर्व संधियाँ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पर्व संधियाँ। आपने देखा होगा गन्ने का पौधा, आपने देखा होगा गन्ने को जब हम खाते हैं तो इस तरीके से बीच में ये इस तरीके से हमने और इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, तो ये जो भाग है ये तो इसका क्या कहलाएंगी, पर्व संधि। ये तो इसकी क्या कहलाएंगी, पर्व संधि, या इन्हें हम कहेंगे नॉड। क्या कहेंगे बेटा इनको, नॉड। और ये बीच वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा, पर्व। ये क्या कहलाएगा, पर्व, या इसे हम कहते हैं इंटरनोड। क्या कहेंगे इसको, इंटरनोड। तो तने की मुख्य विशेषता क्या होती है कि तने के ऊपर एक तो कक्षस्थ कलिका पाई जाती है, दूसरी क्या पाई जाती है, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो यही कारण था कि आलू के ऊपर क्या पाई गई थी, कक्षस्थ कलिकाएं पाई गई थी, और इसी के कारण क्या हो गया था, नए पौधे का निर्माण हो गया था। इसके कारण ही किसका निर्माण हो गया था, नए पौधे का। तो तने के मुख्य विशेषता क्या हुई कि तने पर क्या पाई जाती है, कक्षस्थ कलिका, पर्व और पर्व संधियां। इसके बाद जो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम है उसमें नए पौधे का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, पत्तियों के कटे हुए स्थानों से। वहां उन कटे हुए स्थानों पर क्या पाई जा रही है, आपकी स्थानिक कलिका। तो जो मूल का निर्माण है, देखो दो चीजें हैं, एक कक्षस्थ कलिका और दूसरी आपकी स्थानिक कलिका। अपिस्थानिक कलिका से तो निर्माण होता है मूल का, और कक्षस्थ कलिका से किसका निर्माण होता है, तने का। कक्षस्थ कलिका से किसका निर्माण होगा, तने का। तो एक बार हम कंप्लीट इसको एक बार देख लेते हैं कि पौधों में अलैंगिक जनन क्या है। पौधों में कायिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक जनन। क्यों कह रहे थे हम कायिक जनन को अलैंगिक जनन, कि यहाँ पर एक ही जनक भाग ले रहा है, ना युग्मकों का निर्माण हो रहा है और ना ही युग्मकों का संलय। फिर हमने कायिक जनन कितने प्रकार का देखा, दो प्रकार का, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कौन सा था, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में हमने जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा और पत्र प्रकलिका के द्वारा जनन पड़ा। इसके बाद हम यही बात कर लेते हैं बेटा कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन जो होता है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, जैसे कलम का रोपण करना, बूटी दाब लगाना,
तो ये सारे किस्में आते हैं कृत्रिम कायिक जनन में। जैसे आपने देखा गुलाब की जो होती है वो छोटी छोटी कलम में हम उसको काट लेते हैं, तो मनुष्य के द्वारा काटी जा रही है ना वो, और फिर उनको हम क्या करते हैं पर्टिकुलर जमीन और भूमि के अंदर लगा देते हैं, और फिर उन कलम से ही क्या हो जाता है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो किसमें आती है कृत्रिम कायिक जनन में। लेकिन कृत्रिम कायिक जनन आपके 12th के सिलेबस के फिलहाल NCERT